हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ मैं विश्वकर्मा एंड दिस इज़ माय वर्ल्ड। ये मैंने फ्लैट वर्ल्ड में बनाया है। एंड हेलो फ्रॉग, कैसे हो तू, दूर हटना। हाँ हेलो, कैसे हो तुम। अच्छा ठीक है। हाँ कैसे हो, अच्छे तो हो ना। हाँ नहीं सुन रही तो भाई पहले ही बोल देता, ऐसा मुँह मोड़ के बता जा। और इस गोलम को मैंने विलेज में रहने के लिए कहा था ना, तू बाहर कैसे आया। ठीक है कोई बात नहीं, क्या आप सामने देख सकते हो ये विलेज है। ये विलेज मुझे मिला नहीं है, ये विलेज मैंने बनाया है। ठीक है, अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से ये मैंने विलेज अपना बनाया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे कितना बड़ा विलेज बनाया है, आप देख सकते हो। सामने पेड़ भी है, कुआ भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये आप देखो कितना मतलब मस्त है। एंड ये जो आप देख रहे हो रेड रेड, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मत देखो, बाद में मैं आपको बता दूँगी ये क्या है। एंड ये देखो कितना मस्त है ये। तो मैंने कहा बहुत सारी जगह फेंसिंग करके रखी हुई है ताकि कोई मतलब वहाँ आ नहीं पाए, मोम मोम नहीं आ पाए, विलेजर को ना मार दे, इसलिए। ठीक है, एंड ये पता नहीं कितना गड्ढा किया। तो मैंने बहुत सारी जगह गेट भी लगाए और लालटेन भी बहुत जगह रख दी है मैंने, जिससे मतलब उजाला होता रहेगा। एंड यहाँ पे ये किसने किया है, ये किसने किया कूद कूद के, ये पक्का स्लाइम ने किया होगा। मेरे पास जेली आई है अभी, मैं काम करती हूँ, ऐसा कर देती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ तुम। वैसे विलेज मैंने बनाया है, सब कुछ विलेज मैंने बनाया था। अभी हम लोग ये पूरे सीड तो मैं लगाऊंगी, सब मैं हो कर दूंगी उसे ताकि फार्मिंग के लिए हो जाए, बाकी जो फार्मर है वो कर देगा यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से कर देती हूँ मैं पूरा मैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, भर भर के लाइक कर देना। ठीक है, एंड जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, एंड बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, एंड ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एंड इसी के साथ साथ हमारा पूरा कम्प्लीट भी एक बचा तो इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो देखो मैंने कितने सारे घर बनाए। गोलम तू तो नहीं कर रहा क्या पता, वैसे ये क्यों करेगा, ये तो मासूम सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो घर। तो ये घर ना मैंने अपने लिए बनाया था पहले, तो ये मैंने इस फार्म पता नहीं मैंने किसी और के नाम किया था, फ्लेचर है या ये शायद से फ्लेचर का घर है, फ्लेचर का घर है ये शायद से, मुझे अच्छे से नहीं पता। ठीक है, मैंने उसके नाम कर दिया। और ये पता नहीं फार्मर किस हो रहा है यहाँ पर आकर, नाइट भी हो गई है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एनवेल नेम टैग देने के लिए रखा था, किसको देने के लिए रखा था मेरे को ये नहीं पता, भूल गई मैं। ठीक है, एंड ये नहीं 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 हाँ हाँ मेरे पेन पे कोई सी एन्चेंटमेंट लगाने के लिए। ठीक है, अब उस पर तो ये देखो यहाँ पे मैंने इस एक और घर बनाया हुआ है जहाँ पे दो विलेजर्स हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ कुछ जगह हे बेल रख दी, और ये ना एक विलेजर से नल्ला घूम रहा था, मैंने स्पॉन करा ना तो वो ऐसे ही घूम रहा था नल्ला, तो इसलिए उसके लिए एक बेड बना दिया, मेरे को जोर आ रहा था करने के लिए। एंड ये ब्लैक स्मिथ का घर, ब्लैक स्मिथ का घर ना थोड़ा अलग होता है, मैंने और अलग बनाया, वैसे उसका घर अलग होता है, मैंने अलग बनाया। यहाँ पे लावा, ठीक है, यहाँ पे फर्नेस, फर्नेस साइड पे होता मुझे पता है, पर मैंने मतलब मुझे अच्छे से आ नहीं रहा था, मैंने ऐसे बना दिया। एंड उसका घर ऐसा नहीं होता, पर उसके घर उसे ऐसे लंबे में से चौड़े घुमावदार होता है, तो मुझे अच्छे से पता नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, एंड उसके अंदर डायमंड्स भी रख दिए थे मैंने। और ये देखो यहाँ पर पता नहीं वुड कैसे लगी, मैंने लगाई है वो। और आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैकस्मिथ का वो भी जिससे वो काम करता है। एंड यहाँ पे ये कुआ मुझे अलग लग रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल कुआ से, या तो इसकी साइज़ बड़ी है थोड़ी सी, या तो पता नहीं कैसा है। और ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कुएं में कैसे स्पॉन हो गया। तो लीड पकड़ के रखी हाथ में, इसे कहाँ से मिल गई, उसमें गोल्ड का आर्मर पहन के रखा हुआ था भाई, मुझे पता नहीं कैसे। ठीक है, तो अभी ये देखो उसने गोल्ड का आर्मर पहना था, लीड भी इसने यहाँ पर गिरा, पता नहीं मैं कैसे गिर गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गिर गई थी। और ये कुआ पता नहीं बड़ा है कि छोटा, यहाँ पे भी कुछ छः बेल्स यहाँ पे वो मैंने लगाई थी। ठीक है, एंड ये देखो यहाँ पे सॉरी फार्मर, पर मैंने बनाया तो मैंने ये ना तोड़ दूँ भले मैं तो। ठीक है, एंड ये देखो कितने सारे मैंने घर बनाए हैं यहाँ पर। एंड दिस इज़ माई हाउस, ये मैंने अपने लिए बनाया है। ठीक है, मैंने मॉडर्न बनाया है अपने लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया, स्विमिंग पूल के अगल बगल मैंने पता नहीं बेड क्यों लगाया, रात थोड़ी तो सो भी जाते हैं अपन लोग साथ ही साथ। ओके, तो पानी के अंदर ही। ओके ठीक है, एंड गाइस आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, दो मिनट। ठीक है,
ये देखो एक सेकेंड, ये देखो मैंने ना अपनी पेंट पे स्विफ्ट डिस्निक 3 लगाई हुई है, जिससे मैं ना बैठ के भी बहुत तेज़ चल सकती हूँ। 1.19 का न्यू मतलब एनचैनमेंट है, बड़ी अच्छी एनचैनमेंट है यार। वार्डन के लिए तो, वार्डन से बचने के लिए तो और भी अच्छी, क्योंकि वार्डन तो अंधा होता है, बस उसके कान बहुत तेज़ होते, तो हम लोग बैठ के उसके आस पास से गुजर भी सकते हैं, ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ पे एक पेड़ लगाया हुआ है, उस पर मैंने कुछ बेरीज लटका दिए, ग्लोबेरीज एंड ये वाइन्स भी, ठीक है। और लाइन टेल भी मैंने इसलिए लगाई ताकि बहुत ही मतलब अंधेरा हो रहा था वहाँ पे, तो मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे, मैंने पूरी जगह रोशनी भी कर दी है तो ताकि मॉब्स भी स्पॉन ना हो, ठीक है। एंड अब देखो ये पूरा विलेज कैसा लग रहा है आप लोग का, ठीक है। एंड मैं अभी आप लोग को ये मशीन के बारे में बताती हूँ, वेंडिंग मशीन, ये है वेंडिंग मशीन, ठीक है। मैंने वेंडिंग मशीन बनाई है, एक साइड से मत देखो, साइड से मत देखो, अभी इधर से ही देखो, साइड से अच्छा नहीं लग रहा वो, तो वेंडिंग मशीन है। अपन को ना गोल्डन एप्पल देगा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे गोल्डन एप्पल लगा हुआ है, तो ये आपको गोल्डन एप्पल देगा ये वेंडिंग मशीन। और ये मैंने आइटम फ्रेम ऐसे ही लगा के रखा हुआ है, तो अगर अपन लोग ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो अपन को मिलेगा वो, ठीक है, ये वाली बटन, ठीक है। तो प्रेस करते हैं, ओके। एंड ये देखो हमको मिल गया गोल्डन एप्पल, मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये हमको 3 गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं यहाँ पर से, तो उसे हम लोग खा लेते हैं। फिर मैंने वो वेंडिंग मशीन बनाई अपने आप, उनको ऑटोमेटिक मिल रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे बनते हैं। तो इसके नीचे ना मैंने कोई डिस्पेंसर ला के रखा हुआ है, जिसके अंदर है गोल्डन एप्पल, तो उससे हम लोग ले सकते हैं। और तू टेढ़ा क्यों गया भाई, सीधा लगना, हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम लोग वापस से रेड टेराकोटा ले लेते हैं, मैंने टेराकोटा से बनाई है, तो रेड टेराकोटा कहाँ है, ये रहा, ले लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है, मैंने ले लिया। एंड सब लोग वहाँ पर जाके लगा देते हैं जल्दी से, और हम लोग, मैं आप लोग को ना बता देती हूँ कैसे बनता है, ठीक है। और मैं बटन भी ले लेती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँगी, ब्लू कलर का बनाएंगे हम लोग, पता है। तो यहाँ पे सॉरी, मैं आपको ऊपर लगा के और यहाँ पे फिर बटन लगा देते हैं हम लोग, यस। अब देखो तो ये कैसा लग रहा है, ओके। मैं हम लोग को एक और बना के बताऊँगी, ठीक है। तो इस हम लोग ना ब्लू कलर का बनाएंगे इस बार, तो ब्लू कलर का बनाने के लिए पहले तो हम देखो ये ले लेते हैं और डिस्पेंसर, ठीक है। एंड हम लोग ब्लू कलर का ले लेते हैं, ब्लू कलर का कंक्रीट, एक सेकेंड, कंक्रीट से बनाएंगे इस बार, ये वाले डार्क वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले इससे हम लोग बनाएंगे। एंड फिर अपन लोग को और क्या क्या चाहिए इसके लिए, हम लोग ना इसमें चिकन डालेंगे, ठीक है। तो अभी और भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी साथ में ले ही लेते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आइटम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। गोल्डन एप्पल बटन, बटन तो उधर साइड में जाओ तुम, ये भी जेली भी तुम जाओ यहाँ पे बाहर में, ठीक है। तो एंड और क्या चाहिए हमें, बुक शेल्फ ले लेते हैं, हाँ बुक शेल्फ की ज़रूरत है तो बुक शेल्फ ले लेते हैं। एंड ग्लास भी चाहिए रहेंगे, ठीक है। बटन, अरे सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, और अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर से ग्लास लगाने के लिए, ग्लास की ज़रूरत है ना। एंड उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर का कारपेट, इसको हम लोग ऊपर लगाएंगे गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो लालटेन को तोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग इसे यहाँ लगा देते हैं, एक सेकेंड। हम लोग ना इसमें चिकन क्यों डाल यार, उसमें अपन गोल्डन एप्पल डाल रहे थे, इसमें गोल्डन कैरेट डाल देते हैं ना, हाँ उसमें अपन लोग गोल्डन एप्पल डाल रहे थे, इसमें गोल्डन कैरेट डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसे बना देते, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्पेंसर, फिर इधर पे हम लोग गोल्डन कैरेट डाल देते हैं, ख़त्म हो गए, एक सेकेंड और लेके आने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। यहाँ पे से ये रहा गोल्डन कैरेट, ले लेती है, ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डाल, एक स्टेक नहीं डालेंगे भाई, हमको ज़रूरत है थोड़ी सी और इसके लिए, तो इसको डाल दो। और ये 16 है, इसके भी, इसे भी कम कर देते थोड़ा सा, 15 बचे हैं, 15 को डाल देते, और 1 कैरेट की हमें ज़रूरत है, तो ये ले लेते हैं हम लोग साथ में, ओके। एंड इसके ऊपर वापस लगा देते हैं। एंड फिर अब ये गलत लगे, इसे भी तोड़ो। एंड ये देखो यहाँ पर हम लोग इसे लगा देते हैं, नीचे भी लगा देते हैं इसे, और ऊपर से उठा देते हैं, ठीक है। एंड फिर अब यहाँ पे से ये हमें तोड़ना पड़ेगा दोनों, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बुक शेल्फ, ठीक है। एंड फिर अब चाहिए अपन को ग्लास, तो ग्लास लगा देंगे यहाँ पर। एंड कारपेट, तो कारपेट को ऊपर लगाना है ना, तो यहाँ पे मैंने कारपेट भी लगा दिया है, ठीक है। एंड डिस्पेंसर आपको उसी कोने पर लगाना है, ठीक है, वहीं लगाना है। एंड अभी आयरन ट्रैपडोर की ज़रूरत है, तो आयरन ट्रैपडोर भी ले लेते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। एंड ये देखो कुछ स्टेप से थोड़ा बहुत मैच होने लग गया है, ब्लू एंड रेड। बारिश क्यों हो जाती है मेरे बल्ड में, कोई याद नहीं, चलो वेदर को हम लोग
क्लियर कर देते हैं जल्दी से। ओके क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके हो गया, तो ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गोल्डन कैरेट लगाएंगे। ये हमारा गोल्डन कैरेट, देखो यहाँ पे गोल्डन एप्पल है तो यहाँ पे गोल्डन कैरेट आएगा हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग बटन लगा देते हैं। अब ये देखो हमारी पूरी बन चुकी है, बस यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक नहीं हो सॉरी क्लिक करो और ये आ गया अपना गोल्डन कैरेट, ठीक है। ये लो कितना आसान है, ये देख लो ये बहुत आसान है। आप लोग भी ज़रूर बनाना है इस वेंडिंग मशीन को। आप लोग कोई सा भी इसमें फूड डाल सकते हो, किसी भी कलर का बना सकते हो, ठीक है। मैं गिर गई, देखो मैं जंप करके रहूँगी जैसे 1 2 3, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, होता होगा ज़रूर होगा ये, ठीक है। 1 2 सॉरी मैं उड़ी गई, अरे यार होगा 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 हमसे होगा, लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट, देख लो बोला था। जीतने वाले कभी हार नहीं होती, ठीक है। एक बार तो हमने जंप कर लिया ना, ठीक है। देखो तो हमने उन्हें जंप कर लिया है, ठीक है। हमारी वेंडिंग मशीन कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। ये वेंडिंग मशीन, सॉरी मैंने गिलास तोड़ दिया, मैंने वहाँ पर ना मैंने गिलास इसलिए तोड़ा है क्योंकि मुझे मैंने ना वहाँ पे गलती से गड्ढा कर दिया था, और फिर वहाँ पे मैंने गोल्डन एप्पल कुछ बचे हुए थे वो मैंने उस पर फेंक दिए थे इसलिए, ठीक है गाइस। ओके ओके तो ये आप देख सकते हो मेरा विलेज कैसा लग रहा है आप लोग को। विलेज ये देखो मैं यहाँ पे कम पे खड़े होकर बता रही हूँ, यहाँ पे है बेल है, ये देखो पूरा एकदम मैंने बनाया। और हाँ इसमें समझना कि मिला हुआ है, मैंने खुद ने बनाया, सच्ची बोल रही हूँ मैं। ओके तो ये विलेज इंसान मेरा मॉडल है, उसमें से अंदर से भी बता रही थी, मैंने बाहर बाहर से बताया, अंदर से तो बताया ही नहीं। तो चलो अंदर से देख लेते हैं, अंदर ज़्यादा खास नहीं है, बस यहाँ पे कुछ शल्कर्स हैं सामने, वो तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ ग्लासेस मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है। एंड शल्कर्स यहाँ पे मैंने आयरन ट्रैप डोर, सामने टीवी, ये है टीवी, देखो ग्लास लगा के फिर उसके ऊपर ये लगा दो, सिंपल है भाई, बन जाएगी आपकी टीवी। एंड सोफ़ा जिस पे तकिए हैं ब्लैक कलर के, वाइट एंड ब्लैक की अच्छी कॉम्बिनेशन लगती है भाई, एकदम मज़ेदार, ठीक है। एंड अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो देखो कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा घर, कमेंट में जरूर बताना। ये वाला घर ये सिंपल बनाया, मुझे इंटीरियर अच्छे से आने रहा था, मैं ऐसे फालतू फालतू पटक दिए मैंने इसमें सामान। ओके ठीक है, और ये अब देख सकते हो मैं, ठीक है। अभी मैंने एक और, मेरे पास एक और मतलब एक सोफ़ा था, एक और मतलब मैंने देखा है उसे, तो हम वो बनाने का ट्राई करते हैं। उसके लिए हम लोग को वाइट कॉन्क्रीट विदर स्केलेटन हेड चाहिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग को ना पिस्टन चाहिए, पिस्टन कहाँ है, ये रहा पिस्टन, ठीक है। तो इसे ले लेते हैं हम लोग पिस्टन, इस चीज़ पिस्टन नहीं, पिस्टन चाहिए डायरेक्ट सिंपल सा। तो फर्स्ट ना हमें यहाँ पे गड्ढा करना है, फिर इसे डाल देना है, ओके। एंड उसके बाद फिर हमें एक और गड्ढा करना है, फिर वापस से एक सेकेंड हाँ ऐसे वापस डाल देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। फिर यहाँ पे हमको एक सेकेंड, इसको पहले ये तो पहना दो, विदर स्केलेटन हेड से पहनाना है, इसी काम के लिए हम ऐसे लेके आए थे। तो ये तकिया बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ना एक ब्लॉक लगाना है, कहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे हमको ब्लॉक लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाना सॉरी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे हम लोग को लगाना है एक पिस्टन, ठीक है, पिस्टन ये, ठीक है, पिस्टन, ठीक है। एंड उसके बाद हमको कुछ हुआ क्यों नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, उसे थोड़ा मतलब उधर पर लगाना था, उसे चिपका कर लगाना था उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना ऐसे रेड स्टोन भी लेते हैं, रेड स्टोन से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चिपका के से लगा देते हैं, यस। एंड रेड स्टोन ब्लॉक लेते हैं, इसे यहाँ लगा देते हैं। एंड शायद से नहीं, मैं भूल गई हूँ कैसे करते हैं यार, मैं बाद में याद आएगा ना तो मैं ज़रूर करूँगी गाइस, ठीक है। मेरे को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी मैं, ओके, मेरे को याद आएगा तो करूँगी, ओके। तो ये कैसा लगा आप लोग को मेरा विलेज कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड एक सेकेंड, आपको एक और बायोम तो बता दूँ ज़रा, मेरे को मैंग्रीव बायोम मिल रही थी 1.19 की, तो मैंने खुद नहीं बना ली, सोचा चलो खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो क्या बोलते वो लगा दी, बहुत तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये देखो
मैंने बहुत ने बना लिया, एक छोटा सा मैंने तल्ला बना दिया जिसके अंदर ना मैंने वो क्या बोलते उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, एक लहसुन का नाम फ्रॉक के वजह बच्चे होते हैं ना छोटे नलने मुन्ने से, उनको मैंने इसके अंदर डाला था तो पता नहीं वो ना पता नहीं कहाँ चले गए। तू क्या कर रहा है भाई साहब जहाँ से? ओके और यहाँ पर मैंने बहुत सारी जगह ना इसका सेंसर, यहाँ पर ना मैं वो ट्राई कर दिया, अगर यहाँ पर किसी मोप को अपन लोग मारेंगे ना इस जगह पर तो वो डबल बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने देखा था। तो बाय द वे कैसा लग रहा है आप लोग को ये? और ये देखो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगता है तो बाय बाय टाटा।